उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सैदाबाद क्षेत्र की देवाधाम संग्राम पट्टी में सरकार जी के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार होने पर मनीषा जौनपुर से निशान लेकर डीजे के साथ धूमधाम से देवाधाम पहुंची। बता दें कि ऊंचडी जौनपुर की रहने वाली शीला देवी ने बताया कि उसकी पुत्री जन्म के 7 साल के बाद से ही उसको ऐसी बीमारी थी कि उसने बड़े बड़े ओझा तांत्रिक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन लगभग 13 साल बीत जाने के बाद भी उसको अंत में उसके हाथ मायूसी ही लगी। वह जब उसने देवाधाम संग्राम पट्टी के बारे में सुना और वहां पहुंची तो बगैर झाड़ फूक दवा के उसकी बीमारी मानो ऐसी गायब हो गई कि लोग अचंभित हो गए, जिससे उस गांव के लोग भी इस चमत्कार को देख अचंभित हो गए। आपको बता दें कि यहां यही एक चमत्कार नहीं हुआ, ऐसे कई चमत्कार हो चुके हैं। वह सरकार जी की माने तो श्री कृष्ण वारिस सरकार को दिल से उनका स्मरण करने से ही उसके सारे दुख दर्द खुद का खुद अपने आप गायब हो जाएगा। इसमें न कोई झाड़ फूक और न ही दवा की जरूरत होती है। अच्छा, आप यहाँ निशान लेकर आ जाई थी, तो क्या किस पर्पज से आई थी? आप क्या आपका फायदा हुआ जो आप यहाँ? सरकार हमसे बहुत फायदा हुआ, जो हमारी लड़की ठीक हो गई। अच्छा, कितने साल से आपकी लड़की बीमार थी? सरकार हमारी लड़की 8 साल का रही तब से बीमार। अच्छा, कितने साल की है इस समय? सरकार बताए तब तो 16-17 साल। अच्छा, लगभग 8-9 साल हो गए आप बीमार रहते हैं। हाँ सर। तो और जगह आप दिखाई थी तो आराम नहीं हो रहा? सरकार हम जान ले कब देश छूटा रहा है सरकार, एकदम बीमार हो गए कौन ऐसा इलाका ना एक बड़ा ही बात है सरकार। अच्छा, यहाँ देवाधाम आने के बाद आपको सरकार बिल्कुल ठीक है? कोई यहाँ दुआ मतलब यहाँ झाड़ फूक किया गया या फिर ऐसे दवा दी गई या फिर आने से ही ठीक है? केवल आने से नहीं सरकार, अब सरकार अपन। अच्छा, मतलब उनके आशीर्वाद से? आशीर्वाद से सरकार। ठीक। अच्छा, क्या समस्या हो रही थी? हमको सांप काटता था। सपने में? हाँ, सपने में ही हकीकत काटता था। और हमको चक्कर भी आता है, सर भी दर्द करता है। आपको हकीकत में सर्प काटता था? हाँ, हकीकत में सिर्फ मैं मेरा आदमी ही नहीं देखता, बच्चे भी छोटे छोटे वो भी नहीं देखते हैं। अच्छा, सिर्फ हम ही मेरे आँख में दिखाई देते। अच्छा, आप क्या अब कैसे है जैसे आपको देवाधाम आने? सरकार पास आए हैं अभी तो ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ सरकार के दिए से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं।